जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9 पर चर्चा करेंगे। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम् तद् योगेरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यपश्यति स पश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार या मोक्ष को पाने के दो रास्ते हैं, कर्मयोग और सांख्य योग। दोनों रास्ते अलग दिखते हैं लेकिन इनका लक्ष्य एक ही है, अर्थात जो स्थान ज्ञान के मार्ग से प्राप्त होता है वही स्थान कर्म योग के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों मार्गों को समान रूप से समझता है वही वास्तव में सही दृष्टिकोण रखता है। इस श्लोक की सीख यह है, हम चाहे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें या फिर निस्वार्थ रूप से कर्म करें, दोनों ही रास्ते हमें जीवन के अंतिम सत्य और मुक्ति तक ले जाते हैं। अतः हमें अपने जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का सही संतुलन बनाना चाहिए। संन्यास तु महाभाव दुखम आप्तुम अयोग्यः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म च चिरेण अधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल संन्यास या त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है, बिना उचित योग के संन्यास कठिनाई और दुख का कारण बन सकता है। अर्थात व्यक्ति बिना योग के यानी बिना अनुशासन ध्यान और मानसिक संतुलन के संन्यास लेने का प्रयास करता है तो उसे दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस श्लोक की सीख यह है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए केवल कर्म त्याग या संन्यास आवश्यक नहीं है बल्कि मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण का होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। अर्थात हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उन कार्यों को त्यागने का सोचते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं तो हो सकता है हमें दुख और असफलता मिले, लेकिन यदि हम अनुशासन और योग के साथ अपने कर्मों को करते हैं तो जल्दी ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजी आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते। जो योग युक्त और विशुद्ध आत्मा वाला आत्मनियंत्रित इंद्रियों को वश में करने वाला तथा सभी प्राणियों के प्रति आत्माभाव वाला होता है वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। अर्थात एक सच्चा योगी जो मन इंद्रियों और आत्मा पर नियंत्रण पा चुका होता है वह सब प्राणियों को एक समान देखता और कर्म करने पर भी उसे कर्म नहीं बांधते। नैव किंचित करोमति युक्तो मने तत्वावित पश्यन् सन्वन् सप्रन् सन् जीर्णन् असनन् गच्छन् सौपन् स्वासन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जिसने स्वयं की सच्ची पहचान प्राप्त कर ली है और जो योग से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण संसार और कर्मों के प्रति कैसा होता है? अर्थात जब व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, शरीर और इंद्रियाँ कार्य कर रही हैं लेकिन वह स्वयं या आत्मा इन कर्मों से अलग है, चाहे वह देख रहा हो, सुन रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, सूंघ रहा हो, खा रहा हो या सांस ले रहा हो, वह इन सभी को इंद्रियों का काम मानता है। इंद्रियाँ अपने अपने स्वाभाविक कार्य कर रही हैं, आत्मा इन सब से परे है और इन कर्मों में लिप्त नहीं होती, यह सब बस प्रकृति का खेल है। परलपन विसर्जन गर्णन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेषु वर्तन्ति धारयन्। एक कर्म योगी व्यक्ति यह समझता कि चाहे वह बोल रहा है, कुछ छोड़ रहा हो, कुछ ग्रहण कर रहा हो, आंखें खोल रहा है या बंद कर रहा हो, यह सब इंद्रियाँ ही कर रही हैं। वह यह सब जानता है कि वह आत्मा है जो इन कर्मों से अलग है और यह सब कर्म सिर्फ इंद्रिया और उनके विषयों के बीच हो रहा है। अर्थात व्यक्ति अपने सभी कार्य भगवान कृष्ण को समर्पित करता है, उसे यह ज्ञान होता है कि वह खुद कर्म करने वाला नहीं है बल्कि यह सब प्रकृति के गुण के द्वारा हो रहा है। इस श्लोक की सीख, हमें अपने जीवन में सभी कर्म निस्वार्थ भाव से ईश्वर को समर्पित करके करने चाहिए, इससे हमें आत्मिक शांति मिलेगी। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।